बहुत सारे कपल जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कंसीव करने में, उनको प्रॉब्लम हो रही है और एक साल या एक साल से ज़्यादा हो रहा है, तो डॉक्टरी सलाह लेने से बिल्कुल मत चुकिए, क्योंकि बहुत सारी जो बातें होती हैं डॉक्टर्स आपको समझ पाएंगे कि आपके शरीर में इंटरनली किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आपको कंसीव करने के लिए एक साल अगर नहीं हुआ है, ट्राई आपने कर रहा है और एक साल नहीं हुआ है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव में बहुत सारे ऐसे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बातें की हैं जिससे कि आपको गर्भधारण काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। कुछ आप अपने बेसिक लाइफ स्टाइल में भी अगर आप बदलाव करते हैं तो उससे आपके गर्भधारण के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो सारी वीडियोस आप ज़रूर फॉलो करिएगा। ये भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में जाने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर जो पति के सेल्स होते हैं रिलेशन के तुरंत बाद, वो एग तक कब पहुँचते हैं और उनको कितना ज़्यादा समय लगता है, और प्रेगनेंसी कंसीव होने में कौन कौन सी स्टेजेस आती है। क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में यही बातें आती हैं कि जो हस्बैंड के सेल्स हैं वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे या फिर नहीं पहुँच पाएंगे, अगर पहुँच भी पाते हैं तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा या फिर नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका इम्प्लांटेशन। जब यूट्रस की वॉल पे वो जो भ्रूण होता है, जब तक कि वो सेटल्ड नहीं होता है तब तक आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत नहीं होती है। तो आज उसी के बारे में बताऊंगी कि आपको ये मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना समय लगता है और आपको इसके बारे में इंतज़ार करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए या फिर मन में निगेटिव बातें आती हैं, सबके बारे में बात करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड। तो ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, इसको स्किप मत करिएगा। जैसे ही आपका रिलेशन प्लान होके हो जाता है तो जो पति के सेल्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी काउंट कैसी है, साथ ही साथ उनकी मोबिलिटी कैसी है। तो अगर आपके शरीर में जैसे वो मेल के सेल्स होते हैं अगर वो प्रवेश करते हैं तो ये दो फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहला तो वो मोर्टैलिटी, दूसरे उनकी काउंट। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि महिला जो पत्नियाँ होती हैं उनके शरीर में ओवुलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कई बार देखा जाता है कि वो ओवुलेशन के एक दिन पहले ही उसे ट्राई कर लेते हैं और एग बाद में रिलीज़ होता है। कई बार ऐसा होता है कि एग पहले से रिलीज़ होता है, उसके बाद में जो मेल के सेल्स होते हैं वो एंटर करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि एग प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। तो अगर मैं नट सेल की बात करूं तो आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू से लेके फेलोपियन ट्यूब में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब आपको पता है कि ओवरीज़ में जहाँ पर एग रिलीज़ होता है वहाँ पर वो पनपता है, लेकिन रिलीज़ होने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब में आता है, और वहीं पर फेलोपियन ट्यूब में ही जब वो एग पहुँचता है तभी आपके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, अगर मेल के सेल्स वहाँ पर मौजूद होंगे तब। तो यहाँ मतलब आपके प्राइवेट पार्ट से लेके आपके फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचने के लिए जो पति के सेल्स होते हैं उनको 45 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन अगर उनके, जैसा मैंने आपको बताया कि वेरिएशन क्या होती है, कि वो 12 घंटे तक का भी समय लग जाता है, और बहुत सारी महिलाएं जिनका ओवुलेशन लेट से हुआ है या फिर सही टाइम पे उन्होंने रिलेशन प्लान नहीं किया है, तो ऐसे केस में उनको 24 घंटे तक का भी समय लग जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको 45 मिनट से लेके आपको 24 घंटे तक का ये सफ़र वो तय करता है जो मेल के सेल्स होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए। उसके बाद जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो अगले 12 घंटे 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद से कहानी नहीं रुकती है, क्योंकि उसका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन जब तक नहीं होता है तब तक आपकी प्रेगनेंसी को कन्फर्म नहीं मान सकते हैं। तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने के लिए उसको 3 से 4 दिन का वक्त और लगता है। मान लीजिए कि वहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन अगले 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर अगर हो गया, उसके बाद ये जो फर्टिलाइज जो भ्रूण होता है, जो एक नन्हा सा जायगोट बन रहा होता है, उसको चिपकना होता है आपके यूट्रस के वॉल पे। तो उसको चिपकने के लिए कम से कम उसको 3 से 4 दिन का वक्त उसको इम्प्लांटेशन में लगता ही लगता है। तो इतना आप नट सेल में मान के चलिए कि आपके ओवुलेशन के बाद से करीब 1 हफ्ते तक ये सारी प्रोसेस होती है, और 1 हफ्ते के बाद जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपको इम्प्लांटेशन के बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर उन लक्षणों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पे वीडियोस आएंगी या एंड स्क्रीन पे आएगी या फिर आई बटन पे, नहीं अगर मिलेगी तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको इम्प्लांटेशन होने के बाद से शरीर में कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, वो भी आपके पीरियड स्टार्टिंग होने के पहले ही। तो वो सारे लक्षण आप ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, मेरे एफर्ट को ज़रूर लाइक करिएगा। रात के 1 बजे वीडियोज़ बना रही हूँ, इतना तो आप लोग लाइक दे ही सकते हैं, शेयर कर ही सकते हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड। थैंक यू।